हाय अनिल जी, नमस्कार। प्रशांत जी नमस्कार। मोहन जी राम राम। तो 4 बजे आज मुझे फेसबुक पर लाइव आना था जन सरोकार मंच के, तो 4 बज गए हैं और मैं आपके सामने लाइव जन सरोकार मंच पर आ गया हूँ। जन सरोकार मंच ने इस लॉकडाउन में फेसबुक पर एक लाइव श्रृंखला चलाई हुई है, जहाँ हमें प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिलता है जो किसी न किसी क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। मैं जन सरोकार मंच टोंक द्वारा जो ये कार्यक्रम चला है, उसी कार्यक्रम में फेसबुक लाइव श्रृंखला में देवेंद्र जी जोशी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस लाइव कार्यक्रम में आने का मौका दिया। तो जन सरोकार मंच टोंक द्वारा जो फेसबुक पर लाइव श्रृंखला चलाई जा रही है, उसमें मैं आपके सामने आज अपने विचार रखने जा रहा हूँ। ये विचार मुझे जो शीर्षक दिया गया वो है एक शिक्षक के विचार, उसके प्रयोग, उसके अनुभव के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक शिक्षक के विचार के रूप में, मेरे क्या विचार हैं, क्या क्या मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं, ये सब मैं आपसे साझा करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी कार्य किए उनमें अगर कोई कहीं कमियां लगती हो या कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या पर्सनल मुझे अवश्य बताएंगे, जिससे हम नवाचारों के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा कार्य कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम आज इस फेसबुक लाइव श्रृंखला के कार्यक्रम की। आप सभी का फेसबुक लाइव श्रृंखला में स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। तो शिक्षक के रूप में मैं कुछ बताने से पहले, महेश जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक के रूप में जो कार्य मैंने किए हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षक ही बनना चाहता था या नहीं, या उससे पहले मैं क्या करता था और कैसे एक शिक्षक बना, उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट विचार साझा करूँगा। तो बचपन से रुचि तो रही थी कि कुछ ऐसा करूँ जिससे मन को सुकून मिले, ऐसा कार्य करो जो सकारात्मक भी हो और सभी को अच्छा भी लगे और मेरे मन को भी अच्छा लगे। इच्छा तो होती थी कि कविता भी लिखूं, कहानी भी लिखूं, लेकिन मैं कविता कहानी नहीं लिख पाया, चाहे वो शब्दकोशों की कमी रही हो या किसी न किसी प्रकार की कमी रही हो। अंशुल जी नमस्कार। तो फिर भी मेरे दिमाग में बचपन से जो चल रहा था वो चिंतन कभी बंद नहीं हुआ, भले ही मैं उस क्षेत्र में जो चिंतन चल रहा था वो काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये चिंतन बंद नहीं हुआ, लगातार मेरे चिंतन चलता रहा। इसी दौरान मैं कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब अपने गांव पीपलू आया तो मैंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद, तो पापा एक रिपोर्टर का कार्य करते थे तो मैं उनके न्यूज़ के कार्य से जुड़ गया। शुरू में न्यूज़ बनाना नहीं आता था, लेकिन जैसी भी प्रेस विज्ञप्ति आती वैसा ही मैं खबर बनाकर उनकी जगह भेज देता। धीरे 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 मुझे खबर के मायने पता चला, कैसे खबर बनाते हैं, उसके क्या मायने हैं, कैसे खबर बनाने पर वो सार्थक खबर बनेगी, और मैं एक खबर के क्षेत्र में अपनी रुचि रखने लगा। मेरा क्षेत्र एक तरह से झुकाव अब खबरों की ओर होने लग गया था,
क्या मुझे अपना जो भी भविष्य है वो खबरों की ओर ही बनाना है, खबरों में ही बनाना है। ज़रूर मैम, कोशिश पूरी रहेगी कि मैं स्माइल भी साथ में रखूं। तो इसी दौरान कुछ संघर्ष भी मैंने देखे। 2004 से लेकर और 2011 तक एक पेट दर्द और खांसी की बीमारी से भी मैं इतना परेशान रहा कि शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं वापस कभी ठीक हो पाऊंगा। लेकिन आप सबकी दुआओं से 2011 में 8 साल बाद मैंने सफलता प्राप्त की, मैं ठीक हुआ। और इस दौरान ही मेरा सपना शिक्षक बनने का कभी नहीं था। मैंने MBA के क्षेत्र में, SCA के क्षेत्र में ही मेरा जाने का विचार था। और सभी के जिनके साथ मैं रहता था उनका भी विचार ये था कि मैं ऐसे क्षेत्र में कार्य करूं या IAS RS की परीक्षा दूं। लेकिन इसी बीच में मैंने BA के बाद जब BED की परीक्षा दी थी तो उसका रिजल्ट आ गया तो सभी ने कहा कि एक बार तो आपको BED करनी ही होगी, उसके बाद आप कुछ भी करें अपने भविष्य में, लेकिन BED करना है। तो कुल मिलाकर मैंने सबके कहने से 1 साल BED की और सभी की इच्छा से जब BED पूरी हो गई तो अब मेरा वास्तव में जो पहले का जो विचार था वो बदल कर एक शिक्षक की ओर होने लग गया धीरे धीरे। अब मेरा जो दिमाग का जो चिंतन था वो अब शिक्षक की रूप तरफ भी होने लग गया। तो 2011 के बाद 2012 में जब मैं ठीक हुआ तो मैंने दो सेकंड ग्रेड की भर्ती की परीक्षा दी, लेकिन एक सवाल से रह गया। कोई बात नहीं, इसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद तृतीय श्रेणी की परीक्षा दी और उसमें मैं सफल हुआ। यहीं से मेरा क्षेत्र एक नए क्षेत्र की ओर, जो पहले मैं पत्रकार बनना चाहता था या उस पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहता था, अब मेरा क्षेत्र बदल गया, वो हो गया शिक्षक के रूप में। तो दिनकर विजयवर्गीय के रूप में अब मेरा जो काम करना था वो था शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जय किशनपुरा में 2015 में 20 मार्च को मेरी पोस्टिंग हुई। तो अब तक जो मेरे दिमाग में चिंतन चलता था वो चलता था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या किया जाए। लेकिन अब शिक्षक बन गया तो वहां पे सामना बच्चों से था, लेकिन मेरी एक बचपन से एक कह सकते हैं कि कमी थी कि मेरे अंदर एक अंतर्मुखी में था। मैं बहुत कम दूसरों से बोलता था या अपनी बातें नहीं रख पाता था या शर्म मान लो, कुछ भी मान लो। तो इस कारण से मैं बहिर्मुखी नहीं बन पा रहा था। विचार बहुत सारे मन में आते थे लेकिन मैं अंतर्मुखी ही बना हुआ था। तो इसी दौरान शिक्षक के रूप में जब विद्यालय पहुंचा तो बच्चों के सामने कहीं अब मुझे नया रोल निभाना था शिक्षक के रूप में, तो वहाँ पे समस्याएं नहीं थी। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको शिक्षा रुचिकर लगे, इन्हीं के बीच में मेरा चिंतन शुरू हुआ। लेकिन वही बात कि मेरे अंदर जो अंतर्मुखी मन था, झिझक थी, उसके कारण मैं कर तो रहा था लेकिन जैसे दूसरों के वीडियो दिखा दिए या कुछ अन्य कार्य से मैं उनको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन मैं सामने बच्चों के सामने खुद नहीं आ रहा था कि मैं खुद इनको बताऊं कि आप ऐसा करें वैसा करें, इस प्रकार शिक्षा को रुचिकर बनाएं। राकेश जी सर हमारे विद्यालय के हैं तो उनको मैं अपनी बात रखता था कि भाई साहब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम बच्चों को ये बताएं तो बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं, और वो मेरे बताए अनुसार जो भी मैं बताता हूँ उनको बच्चों के सामने रखते। लेकिन मन में एक बात थी कि जिस दिन राकेश जी सर नहीं आए उस दिन कौन बताएगा बच्चों के हम वो बातें जो मेरे मन में हैं। तो ऐसा 1-2 साल से चल रहा था, हम कर रहे थे अपनी जगह नवाचार लेकिन वो मन को एक संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं था। एक दिन राकेश जी सर नहीं आए और मेरे मन में एक अच्छी कविता थी, अब बच्चों को सुनाना है लेकिन मन में झिझक के भाव थे। तो सोचा क्या किया जाए, कमरा बंद कर लिया छोटे बच्चों के बीच में और बस यहीं से, मतलब जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में वो यहीं से शुरू हुआ है। मैं बच्चों को गेट बंद करके और उनको एक कविता थी, एक मोटा हाथी, उसको गतिविधि के साथ बच्चों के साथ की। मैंने देखा बच्चे उसमें रुचिपूर्वक भाग ले रहे हैं और बच्चे रुचिपूर्वक भाग ले रहे हैं, और मैंने देखा कि उसी दिन उसी समय बच्चों को कविता भी याद हो गई, बच्चों को गिनती भी
रुचिपूर्वक लगने लगी कि गिनती भी याद कर रहे कविता के माध्यम से, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति भी दिखाई देने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा रुचिकर लग रही है तो हम थोड़ा सा शिक्षा में बदलाव करें। दूसरी कविता भी मैंने कमरे में ही सुनाई थी बच्चों को, लेकिन तीसरी कविता के समय लगभग मेरे मन से अधिक जो झिझक थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी और मैं अब बच्चों से मैदान में एक मोटा हाथी या कछा गाना की जगह एक कविता जो बच्चों को सुनाई वो ये थी। बिल्कुल आशीष जी आप जो बता रहे हैं वही कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। अली टू बेड, अली टू बेड, अली टू राइज, अली टू राइज, मैक्स एमेन, हेल्दी, वेल्दी, एंड वाइज। तो इस प्रकार की कविताएं अब मैं बच्चों को सुनाने लगा और यहीं से मेरा एक नया नवाचार शुरू हो गया। बिल्कुल मोहन जी सर, शुरुआत एक मोटा हाथी से ही मेरे को, मेरे अंदर जो झिझक थी वो दूर हुई थी बच्चों के बीच। और एक मोटा हाथी अभी संभव तो नहीं है, लेकिन बच्चों के बीच में ये कविता बहुत ही कारगर है। तो इस प्रकार बच्चों के बीच में काव्य पाठ किया जाने लगा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि किसी भी विद्यालय में एक अच्छी शिक्षा का माहौल बनाने के लिए किसी एक प्रकार का तरीका कारगर नहीं है, उसके लिए हमें कई प्रकार के तरीके काम में लेने पड़ेंगे। तो इसी बीच हमने एक सबसे अच्छा तरीका ये देखा कि बच्चों को जब काव्य पाठ करवाने लगे, छोटे बच्चों को विशेषकर, तो अब बच्चों का जो ठहराव था विद्यालय में वो नियमित होने लगा। पहले जब मैं शुरू में देखता था 1-2 साल तक, तो मैंने देखा कि बच्चे विद्यालय पढ़ने नहीं आ रहे, उनका केवल एक उद्देश्य था। अधिकतर बच्चे वो आते थे जो जरूरतमंद घरों से थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि बस आए, पोशाक खाया और घर चले गए, यही उद्देश्य लेकर वो विद्यालय में आते थे। उनका और कोई उद्देश्य नहीं था, पोशाक मिला बस उसी में वो खुश थे, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब उनका उद्देश्य बदल गया था। अब बच्चे रुचिपूर्वक विद्यालय इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अब विद्यालय में आते ही एक माहौल ऐसा मिल रहा है कि वहां पे शिक्षक उनसे जुड़ा हुआ है, शिक्षक उनके बीच में है, शिक्षक उनसे बातें कर रहा है, शिक्षक उनके साथ खेल रहा है, शिक्षक उनके साथ कविताएं बोल रहा है। तो ऐसे में जब भी हमने बदलाव ये किया कि छोटे बच्चों के बीच में जब भी जाए तो अपनी शुरुआत डायरेक्ट जो हमें प्रकरण पढ़ाना है बच्चों को, उससे पहले 1 मिनट, कविताएं ज्यादा समय नहीं लेती, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मान लो, तो 35 मिनट का अगर हमारा कालांश है, अगर उसमें 5 मिनट हम बच्चों से जुड़ जाएं किसी न किसी प्रकार से, तो फिर वो जो हम अध्ययन करवाएंगे बच्चे आसानी से रुचिपूर्वक उसको सीखेंगे। तो यहीं से हमने शुरुआत की कि हम बच्चों को कक्षा में जाते हैं सबसे पहले एक छोटी सी कविता तो जरूर सुनाएंगे छोटे बच्चों के लिए। तो बच्चों को जो ही कविता सुनाई जाती है उसके बाद बच्चों से हम पूछते हैं कि वो गृह कार्य कर रहा है क्या, आंसर कर रहा है, मतलब अब उनको वो गृह कार्य रुचि कर लगने लगा क्योंकि उनको माहौल शुरुआत में एकदम हमने उनको सक्रिय कर दिया, उनकी झिझक दूर कर दी हमसे बातचीत करने की। तो अब वो हमारी बात मानने लगे, जो कार्य उनके लिए रुचिपूर्वक नहीं था वो भी अच्छा लगने लगा। तो इसी प्रकार से आगे एक कारवा बढ़ता गया, ये हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का था। धीरे धीरे हमने इसमें, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा बच्चा होता है तो किसी एक खिलौने से खुश नहीं होता, उसको एक नया कुछ ना कुछ चाहिए, उसको एक तरीका चाहिए कि आज मुझे अगर इस प्रकार से सिखाया गया तो दूसरे दिन दूसरे प्रकार से सिखाए, नहीं तो वो बोर होने लग जाएगा। तो हमने न केवल कविता के माध्यम से, हमने तरीके बदले। किसी दिन हमने बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति के जो एक तरीका था, उस कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से हमने बच्चों के साथ खेला। तो बड़े बच्चे हमने लगभग 7 दिन में एक दिन कौन बनेगा करोड़पति उनके साथ खेलने लगे, तो जो भी हम टॉपिक देते उसको रुचिपूर्वक को याद करते और इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। एक बच्चे को सबसे बड़ी क्या है कि अगर छोटा सा भी उपहार दे दिया जाए तो वो बहुत खुश होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें बच्चों को कुछ इस प्रकार का उपहार दिया जाता है, जैसे कलर दे दिया, पेंसिल
पेन पेंसिल इरेजर या ऐसी जो चीज़ जो उनके शिक्षा में काम आती हो वो हमने उनको देना शुरू कर दी। तो इससे बच्चे रुचिपूर्वक याद करते और हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चे किसी न किसी प्रकार से इस शिक्षण को ग्रहण करें, अब बच्चे शिक्षण करने लगे। तो कहने का मतलब है कि हम कहीं तरीके काम में लेंगे जब बच्चा एक रुचिपूर्वक अध्ययन करेगा, अन्यथा वो रुचि नहीं लेगा अध्ययन करने में, वो एक दबाव में अध्ययन करेगा या डर कर अध्ययन करेगा। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें कि बच्चा केवल शिक्षा ही प्राप्त करे। मैं खुद बचपन में अंतर्मुखी रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब जो बच्चे हैं वो अंतर्मुखी बने। अब उनका अंतर्मुखी से मुझे उद्देश्य है कि मैं भले अंतर्मुखी रह गया, लेकिन बच्चों को बहिर्मुखी बनाना ही है। तो बहिर्मुखी बनाने के लिए जितने भी प्रयास हम कर सकते हैं, और नवाचार भले ही मेरा नहीं हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मान लो कोई भी शिक्षक नवाचार कर रहा है, और अगर वो मेरे ध्यान में आता है तो मैं उसको अपने विद्यालय में अवश्य प्रयोग करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विद्यालय के बच्चों के लिए तो एक नया नवाचार है। तो इससे हमने नवाचारों में नए नए तरीके अपनाए। एक विद्यालय में सर्वांगीण विकास करने के लिए न केवल बच्चों को अध्ययन करवाना है, बल्कि हमें विद्यालय को सुंदर बनाना भी है, जिससे हमें सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो हमारे विद्यालय में का जो परिसर, उसे रिकॉर्डली बालाजी का बाग भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये सच में ही पहले बालाजी का बाग ही हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन हम देख रहे थे कि यहाँ पे दो पेड़ नीम के और एक पेड़ बरगद का है, बाकी किसी प्रकार के कोई पेड़ नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर पौधारोपण करें। तो जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा, या पुराने शिक्षकों ने कहा कि सर यहाँ पौधारोपण करने से कोई फायदा नहीं है, आप पेड़ लगाओगे बच्चे उखाड़ कर ले जाएंगे या नष्ट कर देंगे। थोड़ा सुनकर निराशा तो मन में हुई, लेकिन सोचा कि करके तो देखें, क्योंकि किसी काम को करके नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सच है या झूठ है। किया, और शुरुआत में हमने एक दो नहीं, विद्यालय के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए 500 से अधिक पेड़ पौधे लगाए। मिट्टी के अंदर मोरिंडा नामक जो मिट्टी है उसमें पेड़ पौधे आसानी से नहीं लगते, लेकिन हमने उसी मिट्टी में भी पौधारोपण कर दिया। कुछ पौधे हालांकि जो किसी शिक्षकों ने पुराने में कहा था कि नष्ट करेंगे, सच में बच्चों ने नष्ट भी किए, लेकिन हम उन्हें हार नहीं मानी। वो पौधा नष्ट होता या तो पहले बचाने की कोशिश की जाती, कैसे भी बच जाए, नहीं बचता तो हम उसकी जगह दूसरा पौधा लगाते। और देखते ही देखते मात्र 2 साल के अंदर सभी स्टाफ के सहयोग से आज जो विद्यालय का जो बालाजी का बाग केवल रिकॉर्डली था, धरातल पर नहीं था, आज अगर कोई भी विद्यालय में आता है तो उसे सच में बालाजी का बाग नजर आएगा, चारों तरफ उसे पेड़ पौधे नजर आएंगे। और आज तो मुझे भी खुशी होती है कि उन पेड़ पौधों को 2 साल से हम छोटे देख रहे थे, लेकिन आज सभी पेड़ पौधों की ऊंचाई मेरे से भी ज्यादा, अब मेरे वो हाथ नहीं आते हैं, अधिकतर पेड़ ऐसे हो गए हैं। तो अब मुझे खुशी मिलती है कि सच में हमारे जो स्टाफ ने मिलकर पेड़ पौधे लगाए, अब वो बड़े हो गए हैं और ये बालाजी का बाग बन गया। एक दिन सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ऐसी घास मैदान में लगाई जाए कि बच्चे आसानी से चल सकें, खेल सकें, धूप में उनको दिक्कत नहीं हो, पैर नहीं जले। तो हमने हमारे एक हरियाणा के सर है, हमने किसी काम में ये नहीं देखा कि ये काम कैसे होगा, को हरियाणा के सर है तो हरियाणा से हमने उनके घर पे जो घास लगी हुई थी अमेरिकन घास, हमने वहीं से उनसे घास मंगवा ली, और एक हमने उत्पादन क्षेत्र बना रखा है ताकि घास कभी खत्म नहीं हो। वहाँ हमने उस एक तरह से पानी जाता रहता है और घास नहीं आती रहती है, वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी घास मैदान में धीरे धीरे लगाने लगे, और आज लगभग 50% से अधिक मैदान को हमने घास से कवर भी कर दिया है। तो इसी तरह हमारी जो विद्यालय का भवन था, वो पहले उसका जो नज़ारा था वो ऐसे लगता था जैसे कोई खंडर भवन हो या जर्जर भवन हो। हमारे प्रधानाध्यापक सर ने उस विद्यालय का जो नक्शा है भवन का, उसको बिल्कुल बदल दिया, उसको ऐसी कलर से पेंटिंग करवाई कि वो एक दो साल नहीं, कई सालों तक टिकी रहे। तो अब विद्यालय को कुल मिलाकर हम अब विद्यालय को देखें तो हर प्रकार से एक रोचक विद्यालय, एक सकारात्मक वातावरण विद्यालय में नजर आने लगा है। इसी तरह बच्चों को हमने एक शिक्षक के सहयोग से टीवी लाए और पेन ड्राइव लगा दिया,
अब सरकारी शिक्षक हैं तो कई सरकारी कार्य भी करने होते हैं, तो विद्यालय में जब हम सरकारी कार्य करते और क्लास में कक्षा में नहीं जा पाते, तो उस समय हमने बच्चों को पेन ड्राइव लगा देते, चालू कर देते, और बच्चों के सामने जब वो उनकी नज़र में भले ही वो कार्टून थे, लेकिन हमें पता था कि वो कार्टून के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो दो उद्देश्य पूरे हैं, तो उनकी नज़र में वो एक तरह से जैसे उनको बच्चों को शौक होता है कि कार्टून देखने का, तो वो कार्टून के नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन हमारा नज़रिया ये था कि बच्चा इसके साथ सीख भी रहा है, बच्चे को शिक्षा मिल रही है। तो इस प्रकार हमारा जो कार्य था वो आगे बढ़ता रहा, और हमने इस सब का सबसे बड़ा फायदा मिला कि एक और काम हमने किया था वो बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप, 2 साल पहले हमने सभी अभिभावकों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ दिया गया है। सरकार ने भी अभी सभी विद्यालयों को इस प्रकार का कार्य करवाया है, लेकिन हमारे विद्यालय में 2 साल पहले से ऐसा ग्रुप बना हुआ है। हम जो भी विद्यालय में कार्य करते हैं, चाहे वो प्रार्थना सभा में गतिविधियां कराते हैं, चाहे बाल सभा में गतिविधियां कराते हैं, या अन्य जो भी गतिविधियां कराते हैं, उन्हें हम सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पर अभिभावकों के सामने रख देते। तो इससे क्या है कि हमें हमारे विद्यालय की जो भी गतिविधियां थी उन्हें बताने के लिए अभिभावकों के पास अब जाना नहीं होता था। या तो बच्चा बता देगा कि हमारे विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनकी अभिव्यक्ति बता देगी, और वो नहीं बता पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी उसको बता सकता है कि विद्यालय में क्या हो रहा है। तो अब हमारा जो भी कार्य था वो सब अभिभावकों तक पहुंच रहा था। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि जहां पर हमारे विद्यालय में केवल जरूरतमंद परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे, 50, 55, 60, आज 2 साल में सभी स्टाफ के सहयोग से वो नामांकन 113 पिछले साल था, और इस साल हमें उम्मीद है कि ये नामांकन और बढ़ेगा। तो हमने जब बहुमुखी या सर्वांगीण प्रकार से नवाचार किए, तो इसका फायदा ये मिला कि नामांकन भी दुगने से भी अधिक हो गया। तो कहने का मतलब है कि बच्चों का नामांकन, ठहराव, इन सभी के लिए हमें कई प्रकार के कार्य करने होंगे। ये एक तरह से विद्यालय को रोचक बनाने के लिए हमने समय समय पर उनको अच्छे व्यंजन भी बनाए खिलाए, आशीष जी, सच में। तो इस प्रकार ये तो था मेरा एक विद्यालय से जुड़ा हुआ कार्य। इसके बाहर भी मैंने अन्य कार्य कि इन नवाचारों को देखकर एक अंशुल जी जैन है बिजोलिया के, उन्होंने मेरे नवाचारों को देखा और उन्होंने कहा कि अंत्योदय बैंक से क्यों ना हम उनके विद्यालय में खिलौना बैंक स्थापित करवाएं। उन्होंने मुझसे कुछ नवाचारी वीडियो या नवाचारी फोटोज मांगे, मैंने अंशुल जी को दिए, उन्होंने अंत्योदय बैंक के महेंद्र जी मेहता तक पहुंचाया। तो इससे फायदा हुआ कि हमारे विद्यालय में एक खिलौना बैंक की स्थापना हुई। बच्चों को खिलौने से रुचि लगती है, वो खिलौने सभी शैक्षणिक सामग्री से जुड़े हुए, तो बच्चों को उन खिलौनों के साथ शिक्षण भी मिलेगा और खेलने को भी मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा खिलौना बैंक स्थापित हुआ, साथ ही मुझे भी नवाचार कार्य करने में ऊर्जा मिली। अंशुल जी जैन के साथ मिलकर हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया, हरात कलम अभियान। इसका उद्देश्य था कि कई विद्यालयों में बच्चे, सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके अभिभावक जरूरतमंद परिवारों से होने के कारण या तो पेन पेंसिल नहीं दिला पाते, या कुछ अभिभावक अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते, तो बच्चे पेन पेंसिल, नोटबुक आदि नहीं लाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो हमने मिलकर एक कार्य शुरू किया, और वो कार्य था स्टेशनरी बैंक। हर विद्यालय में एक छोटा सा स्टेशनरी बैंक अवश्य हो, उसमें बच्चे के जो कार्य है शिक्षा से जुड़े हुए जो छोटी मोटी सामग्री होती है, पेन पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, ये हमेशा रहे, जिससे कोई भी बच्चा जो विद्यालय आ रहा है वो केवल इस कारण से शिक्षा से वंचित नहीं रहे कि इसके पास नोटबुक नहीं थी या पेंसिल नहीं थी। और इस प्रकार हमने हरात कलम अभियान जो शुरू किया, वो हरात कलम अभियान न केवल एक विद्यालय में, हमने टोंक जिले के 25 से अधिक विद्यालय में लॉकडाउन से पहले स्थापित करवाने की कोशिश की। टीम भावना से स्टेशनरी बैंक स्थापित हुए, और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम टोंक जिले के लगभग सभी विद्यालयों में स्टेशनरी बैंक स्थापित करें, और इस तरह हम ये हरात कलम अभियान के तहत स्टेशनरी बैंक स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। आशा है आप सभी भी इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये जरूरतमंद बच्चों से जुड़ा हुआ कार्य है। तो जरूरतमंद बच्चों को जब अगर ये सामग्री मिल जाती है तो निश्चित तौर पे
शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। हमने सोचा कि हरात कलम अभियान में कोई भी व्यक्ति सहयोग कैसे करे खुशीपूर्वक, तो हमने एक तरीके इसमें नए नए करते हैं। हम किसी का भी जन्मदिन होता है तो उसको कहते हैं कि आप इस जन्मदिन पर केक काटते हो या कुछ भी करते हो तो इसमें काफ़ी खर्च होता है, क्यों ना आप इसी जन्मदिन को बच्चों के बीच मनाएं, उनको शैक्षणिक सामग्री का वितरण करें। तो अब जो भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, किसी के घर में जन्मदिन होता है, तो अब उसने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाना शुरू कर दिया। और सच में जब उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया तो अब उनको और आनंद आने लगा। अब वो रुचिपूर्वक अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मना रहे हैं, तो हमारा भी स्टेशनरी बैंक का जो कार्य है वो सफल हो रहा है, क्योंकि बच्चे उसको जन्मदिन वाले उनका हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने इसमें नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं। जैसे मकर संक्रांति पर दान देने की पहल होती है, तो हमने सबको कहा कि मकर संक्रांति पर दान करना ही है, तो क्यों ना आप विद्यालय में दान करें। जो भी आप तेरा वस्तु है, जो भी दान करना चाहते हो, वो विद्यालय में बच्चों के लिए करें। दान है, बस दान करना है आपको। वो काज कंगा इनकी जगह आप शैम्पू की जगह ये दान करें, और सक्षम परिवारों को अगर आप मकर संक्रांति पर कुछ वस्तुएं देते उसकी जगह ये वस्तुएं आप बच्चों को दें। इसी माध्यम से हमने ये भी सिस्टम शुरू करवाया, तो अब मकर संक्रांति पर भी हमारे विद्यालय में कम से कम 10,000 से अधिक का सहयोग मकर संक्रांति पर प्राप्त हुआ। इसी तरह मैंने अन्य विद्यालयों में भी कोशिश की और वहाँ पर भी काफ़ी सारा सहयोग प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहें बच्चों का। हमने बच्चों को जो कभी खेल के क्षेत्र में, विद्यालय के बच्चे कभी खेल में नहीं गए, भले ही वो हार कर आ गए होंगे, लेकिन हमने सोचा कि शुरुआत तो की जाए। तो हमने बच्चों को खेल के क्षेत्र में कबड्डी खो खो आदि खेलने के लिए बाहर भी भेजा। बच्चे अब रुचिपूर्वक हिस्सा लेने लगे हैं कि हम निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में भी विद्यालय का नाम करेंगे। ऐसे ही हम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो उसमें भी हमने नवाचार किए, क्योंकि आदत अब पड़ गई कि कुछ ना कुछ करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की झिझक दूर करने के लिए वहाँ पर मंच पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ करवाई जाए। वो भले ही शिक्षण से जुड़ी हो, लेकिन नृत्य वृत्य से जुड़ी नहीं हो, लेकिन वो हो तो उससे बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हमने बच्चों को कन्वर्सेशन या कुछ अंग्रेजी से जुड़े हुए टॉपिक सिखाए, और उनको 26 जनवरी 15 अगस्त को जब बच्चों ने पेश किया, तो उससे हमारे विद्यालय के बच्चों की झिझक दूर होने लगी। हमने प्रत्येक बच्चे से, भले ही वो कविता से हो या कुछ हो, हमने प्रत्येक बच्चे को 15 अगस्त या 26 जनवरी पर मंच पर अवश्य भेजते हैं। नित्य प्रार्थना पर इनकी गतिविधियों में तो शामिल करते ही हैं, लेकिन इन बड़े समारोह में भी हमने कोशिश की कुछ बच्चे ही कार्यक्रम प्रस्तुति नहीं दे, सभी बच्चों का इसमें योगदान हो। तो इससे क्या होता है कि जब सारे बच्चे इस प्रकार झिझक दूर होगी, तो निश्चित तौर पर मेरी तरह अंतर्मुखी नहीं रहेंगे, बहिर्मुखी बनेंगे। इसी प्रकार हमने हरात कलम अभियान के बाद वही इसी टीम से जुड़कर हमने अंत्योदय बैंक की स्थापना की, जिसमें जैसे हम कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो छोटे हो जाने के कारण या किन्हीं कारणों से पहनना बंद कर देते हैं, लेकिन वो अन्य लोगों के लिए लाभ पहनने लायक होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे कपड़े भी हमने सामाजिक सरोकार के तहत इकट्ठे करने शुरू किए, और गांव-गांव जाकर उन मोहल्लों में इन कपड़ों का वितरण किया जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है। तो अंत्योदय कपड़ा बैंक भी हमने निरंतर संचालन किया, जो निरंतर चल रहा है। लॉकडाउन में जरूर वो थोड़ा सा बंद है, बाकी वो हमेशा से निरंतर चल रहा है। इसी तरह सर्दियों के दिनों में हमने वस्त्रम अभियान चलाया, विद्यालय में भी सभी शिक्षकों के सहयोग से सभी बच्चों को स्वेटर वितरण किया, अन्य भामाशाहों को भी प्रेरित करते हुए, यहाँ तक कि अधिकतर विद्यालयों में तो शिक्षक स्वयं भामाशाह बन गए और बच्चों को स्वेटर का वितरण किया। तो इससे अब सभी बच्चों को मेरे विद्यालय से ही अब सर्दी के दिनों में ठिठुरना नहीं पड़ा। इस प्रकार ही हमने और कई प्रकार के नवाचारी कार्य किए, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहे। और हमने बच्चों का जो विद्यालय में जन्मदिन आता है, तो जन्मदिन पर चॉकलेट बांटते थे बच्चे, हमने उसमें भी शिक्षा जोड़ दी। बच्चों से कह दिया कि अब चॉकलेट नहीं बांटोगे आप, इसकी जगह शैक्षणिक सामग्री जो भी उस राशि में आती हो वो काम करो। एक सबसे बड़ा हमने जो कार्य किया वो है, आपके साथ आपको भी पता है कि जो भी हमने रियल लाइफ में विद्यालय में किया हो या किसी भी क्षेत्र में किया हो, हमने उनको रियल में जरूर कैद किया है।
और रील में कैद करने के बाद व्हाट्सएप या फेसबुक या अन्य जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है यूट्यूब, उनके जरिए अभिभावकों तक तो पहुँचाएँ, साथ में आप सभी तक भी शेयर किए। इस दौरान बहुत सो ने ये कहा कि आप तो दिखावा करते हैं, तो हमने यही कहा कि हम दिखावा तब करते हैं जब धरातल पर काम करते हैं। हम धरातल पर काम करने के बाद ही दिखावा करते हैं, उससे पहले हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। और बहुत सारों ने ये भी कहा कि नेकी कर वो दरिया में डाल पहले वाली बातें हैं, तो हमने नेकी कर और दरिया में नहीं डाला, हमने नेकी कर और उसको दुनिया को दिखाया है कि हम ये कर रहे हैं। आप इसमें अपने सुझाव दें। एक ऐसे ही सत्यमेव जयते यूएसए है, ओम वर्मा उसके फाउंडर हैं, हमने उसमें भी बच्चों से स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट में भाग दिलवाया, और उस स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट में भाग दिलवाने पर हमारे विद्यालय के बच्चों में एक नया उत्साह का संचार हुआ। अब वो वर्ड मीनिंग याद करने में रुचि लेने लगे। अब उनका उद्देश्य एक और नया बन गया कि अब हमें डेली की 10 मीनिंग तो लर्न करना ही करना है। इसी प्रकार लॉकडाउन में अभी भी वर्तमान में भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और इससे पहले अभी हमने ऐसे कार्य किए हैं जैसे उमा मैम के सहयोग से हमने एक नया कार्य विद्यालय में शुरू किया है, आज का दीपक, आज का गुलाब, स्टार ऑफ मंथ। तो इन सब से हमने देखा कि बच्चों से इस प्रकार जब हमने मोटिवेट किया तो जो कार्य वो आसानी से नहीं कर रहे थे वो रुचिपूर्वक करने लगे। हम बच्चों को पहले कहते थे कि ऐसा करना वैसा करना, वो नहीं मानते थे, लेकिन हमने जब उनको ये कहा कि इस प्रकार जब हमने उनको सम्मानित करना शुरू किया, आज का दीपक, आज का गुलाब, तो अब बच्चे हमारी सब बात मानने लगे। अब मैं बात करता हूँ कि लॉकडाउन में भी हमने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाए। शुरुआत हुई डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की हमेशा से रही है, तो हमने डिजिटल तरीके से बच्चों को अध्ययन करवाना शुरू किया, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा क्योंकि अधिकतर अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, और जिनके पास थे वो भी बच्चों को दे नहीं पा रहे थे बाहर कार्य करने या कहीं जाने के कारण, क्योंकि गाँव में कोई खेती करता है, कोई क्या करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, किस प्रकार बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा जाए। तो हमने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम सर्वे तो करने आते ही हैं, तो सर्वे करने आते हैं तो हम क्यों ना इनको नोट्स का वितरण करें, क्योंकि हमने देखा कि जब अखबार का वितरण हो सकता है तो नोट्स का वितरण भी हो सकता है। तो हमने इसके लिए क्या करें, क्योंकि कोरोना है, कोरोना में कोई चपेट में नहीं आए, इसके लिए हमने उपखंड अधिकारी से चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हम बच्चों के पास नहीं जाएंगे और ना बच्चा हमारे पास आएगा, हम नोट्स का वितरण करेंगे और वो आसानी से पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर लेगा। तो उपखंड अधिकारी का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई गलत कार्य नहीं है। हमने नोट्स बनाए और हर 7 दिन में बच्चों को नोट्स का वितरण शुरू किया, तो हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार भी अध्ययन होना शुरू हो गया। अब बच्चों तक कैसा पहुँचा जाए, तो हम नित्य तो नहीं पहुँच सकते, एक दिन छोड़कर एक दिन बच्चों तक पहुँचते हैं, तो हम एक दिन छोड़कर एक दिन में बच्चों को नोट्स वितरित करने के बाद उनको एक टारगेट देते हैं कि आज आपको इतना सा याद करना है। दूरी बनाते हैं उनके घर के बाहर, एक छाया वाले स्थान पर खड़े हो जाते हैं और बच्चों से हम वो सवाल जवाब करते हैं जिसमें ना बच्चा मेरे पास है ना मैं बच्चे के हाथ लगा रहा हूँ, तो कोरोना का कोई डर नहीं है। केवल हम उनसे डायरेक्ट दूरी बनाते हुए, एक मैंने ये देखा कि बच्चों के पास मास्क भी नहीं है, तो सभी 113 बच्चों को हमने घर घर जाकर मास्क का वितरण भी किया, और साथ ही ये कहा कि जो मास्क लगाएगा केवल उन्हीं को मैं पढ़ाऊँगा। तो अब बच्चे मास्क लगाकर अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से हमने एक और काम किया कि लॉकडाउन में बच्चा किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से जुड़ा रहे, वो बिल्कुल शिक्षा से दूरी नहीं बनाए। तो हमने इस दौरान जितने भी दिवस आए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, हैप्पी मदर्स डे, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, इन सभी पर भी हमने बच्चों से चित्र बनवाए, निबंध लिखवाए। तो इससे बच्चा किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा। हमने छोटे बच्चों को एक और टारगेट निश्चित दिया हुआ है कि डेली का एक चित्र तो आपको कॉपी में बनाना ही बनाना है, और वो हम दूर से देखेंगे। तो इससे अधिकतर बच्चे चित्र भी डेली बनाते हैं। इसी तरह हमने लॉकडाउन के अंदर एक ज्ञानम पहल भी शुरू की। उस ज्ञानम पहल के तहत अप्रैल माह में हमने एक प्रतियोगिता रखी कि
जो भी कोरोना महामारी पर लेख या निबंध भेजेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकतर लोगों ने, राज्य के नहीं देश के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसी प्रकार हमने सोचा कि एक इस महामारी के समय हम एक सोशल डिस्टेंस के साथ सोशल मीडिया के माध्यम के साथ एक परिंडे लगवाने का कार्य भी तो कर सकते हैं। बच्चों से कबाड़ के जुगाड़ से पक्षी घर भी बनवा सकते हैं, परिंडे लगवा सकते हैं, तो क्यों नहीं ये कार्य भी किया जाए। तो अंशुल जी जैन के सहयोग से हमने ये कार्य शुरू किया। भगवान महावीर जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, तो हमने इसकी शुरुआत भगवान महावीर की जो जयंती पर्व होता 6 अप्रैल, उस दिन से हमने इसके कार्य की शुरुआत की। और हमें खुशी है कि हम न केवल टोंक जिले में या राज्य में, 5 राज्यों में हम 3100 से अधिक परिंडे लगवा चुके हैं। और एक और मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने विद्यालय के बच्चे जिनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं तो हम पर्यावरण से भी जोड़ते हैं, तो क्यों ना उनको गृह कार्य में परिंडे लगवाने का कार्य दिया जाए। तो मैंने देखा कि 2 दिन में सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में कबाड़ के जुगाड़ से, किसी ने टप से, किसी ने तेल की पीपी से, किसी ने मटकी से, किसी ने किसी प्रकार से परिंडे का निर्माण किया और परिंडे गृह कार्य में सभी विद्यार्थियों ने लगाए। तो जीवदया अभियान के तहत हमने सभी विद्यार्थियों सहित पूरे राज्य में देश के कई लोगों से परिंडे बनवाए। सबसे अच्छा पक्षी घर को हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस कारण से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी मेरा पक्षी घर सबसे अच्छा बने। इसी प्रकार ज्ञानम पहल के तहत हमने सोशल डिस्टेंस के साथ जो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसमें भी हमने कई नवाचार बच्चों के सामने रखे हैं। क्या मैं आपको पढ़ा रहे हो सकता है समय ज़्यादा नहीं दे पाए तो आप कॉल करके भी चैप्टर समझ सकते हैं। आप हम जब दोबारा आए तो लिखकर तैयार रखें और वो पूछ सकते हैं। इसमें भी हमने एक बच्चों के शिक्षा से वो जुड़े रहें तो एक उनके साथ एक वो रख दिया कि पुरस्कार राशि कि जब विद्यालय संचालित होगा तो इस लॉकडाउन में हमने आपको जो घर आकर पढ़ाया है, जो स्माइल शिक्षा से पढ़ाया है, उसमें जो बच्चा टॉप 3 रहेगा उनको चांदी के सिक्के देंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे और साथ ही फर्स्ट आने वाले को कक्षा वाइज, ऐसा नहीं पूरे विद्यालय में, जो भी जिस कक्षा में प्रथम आएगा उसको 1151 रुपये, द्वितीय आएगा तो 551 और तृतीय आएगा तो 251 रुपये देंगे। साथ ही जो प्रथम श्रेणी से जिन सभी बच्चों के प्रथम श्रेणी के अंक आएंगे उनको भी हम प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। तो बच्चों में और ज़्यादा पढ़ने की रुचि बढ़ी। तो इस प्रकार हमने बच्चों को किसी न किसी प्रकार से पढ़ाने का सहयोग, सरकार का स्माइल कार्यक्रम है उसको भी सफल बनाना है, क्योंकि बच्चों का किसी कभी ना कभी तो डिजिटल शिक्षा से जुड़ना ही पड़ेगा। तो हमने एक काम किया कि माना कि अभिभावक के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लेकिन उसके घर में उसके ताऊजी के पास, उसके ताऊजी के लड़के के पास या मोहल्ले में किसी के पास भी अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और उस बच्चे का उससे जुड़ाव है तो क्यों ना उसके नंबर उस ग्रुप में जोड़ दें। तो उस बच्चे से बात की जिसके न जो उसको जानता था, हमारे बच्चों को जो जानता था, उस विद्या उस युवा से बात की कि हम आपके नंबर जोड़ना चाहते हैं, अगर आप इनको हमारा जो भी स्माइल कार्यक्रम में मैटर आता है वो बता दो। तो कई घरों उसके बच्चे इस प्रकार भी हमने जोड़े। इसी प्रकार इस जनसरोकार मंच के जो देवेंद्र जी जोशी हैं वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन नित्य कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी शिक्षकों के साथ या अन्य लोगों के साथ ऑनलाइन कोर्स करवाता है, कॉन्फ्रेंस करता है। तो हमने भी इससे जुड़े हुए हैं, तो हमने एक दिन राजेंद्र जी के सामने रखा कि क्यों ना सरकारी विद्यालय के बच्चे जो अन्य बच्चे हैं इस पीबलू क्षेत्र के, उनको भी तो इस कॉन्फ्रेंस में जोड़कर अगर बात करें तो लॉकडाउन में वो भी आपस में चर्चा कर सकेंगे, एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो हमने 7 दिन में एक दिन, वो दिन है रविवार का, रविवार को 10 से 12 के बीच में हम अजीम प्रेम जी द्वारा जो टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाया जाता है उस पर बच्चों से कहानी पर चर्चा करते हैं। हम 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक कहानी पहुँचाते हैं और जो बच्चे हमारे विद्यालय के वो नहीं जुड़े हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो कहानी हम सुनाते हैं और कहते हैं कि कीपैड वाले मोबाइल से भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो अब बच्चे टी कॉन्फ्रेंस या ये जो एक पहल है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की, उसके माध्यम से रुचिपूर्वक हर संडे को हमसे 10 से 12 के बीच में बहुत ही मज़ेदार वो चर्चा होती है। उमा मैम एवं कई बड़े शिक्षक भी उसमें जुड़े हुए होते हैं जो उन बच्चों से
सवाल जवाब करते हैं, तो बच्चे रुचिपूर्वक अब इस प्रकार टी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो रहे हैं और कहानी पर चर्चा करते हैं। मतलब उनका कहानी के या शिक्षण या किताबें पढ़ने के प्रति भी रुचि बढ़ रही है, और हमारा उद्देश्य भी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ें। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम चर्चा के माध्यम से बच्चों से इन तरीकों पर बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। ज्ञान हम पहले के तहत हम कुछ ना कुछ हमें बिल्कुल नया करने की चाह प्रतिदिन हम रखते हैं, और एक और हम नया कार्य सभी शिक्षक विद्यालय के हैं जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा कार्य वो शुरू करने जा रहे हैं, और 3 माह बाद जब बारिश होगी उस समय हम उस कार्य को आप सभी के सामने भी रखेंगे। अभी वो कार्य हम केवल कर रहे हैं, सफल होने पर आप सभी के सामने लाया जाएगा। तो नया करने की चाह प्रतिदिन हमारे मन में, हमारे स्टाफ के मन में, हमारी टीम के मन में हमेशा रही है, और टीम के सहयोग से हमने प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कार्य अवश्य किया है। तो इस प्रकार हम कार्य निरंतर कर रहे हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ निरंतर चल रहा है कि हम किसी भी प्रकार से बच्चों की शिक्षा से जुड़े रहें, समाज की सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहें। लॉकडाउन के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहे, इसके तहत पहल संगठन से जुड़कर भी हम कार्य कर रहे हैं भामाशाहों के सहयोग से, और हमने उसके तहत भी 300 से अधिक ज़रूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश की। तो हम किसी न किसी प्रकार से बिजी रहें। एक और चीज़, इस समय कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है, वो किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता है। तो मैंने एक बात देखी कि अगर हम किसी न किसी प्रकार से बिजी रहेंगे तो हमारा ध्यान उन समस्याओं की ओर नहीं जाएगा। तो हमें उन समस्याओं से दूर रहने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। तो इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है। लॉकडाउन के दौरान ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम किसी न किसी प्रकार से घर से बाहर निकलने की जगह काम हो तो निकलें, बाकी कुछ ना कुछ घर में रहते हुए करते रहें। जो बाहर निकल रहे हैं वो बाहर रहकर कार्य करें। और मेरा तो यही कहना है कि हमने पर्यावरण संरक्षण के तहत पिछले साल 51 गाँव में 5100 पौधे भी लगाए, और इस बार हमने इसको थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश की है कि इस बार हम जन्मदिन पर पौधे लगाएं। जैसे राजसमंद के पिपलांत्री गांव में जन्मदिन पर पौधे लगाते हैं, कोई 11 लगाता है, कोई 111। तो इस प्रकार की पहली अपने क्षेत्र में करें तो निश्चित रूप से अपना क्षेत्र भी पर्यावरण की दृष्टि से एक हरा भरा क्षेत्र होगा। तो इस क्षेत्र में भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा करें जो शिक्षा की दृष्टि से या समाज सेवा की दृष्टि से अच्छा हो, और इस कार्य के अंदर सभी टीम भावना से काम होता है। एक चीज़ ये भी है बिल्कुल कि जहाँ हम कोई कार्य करें तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए हमें टीम भावना की बहुत ज़रूरत रहती है। बिल्कुल सर, व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे रहेंगे। अनिल जी, सर ब्लड डोनेशन का के कारण वो स्वीकृति उपखंड अधिकारी से मिल नहीं पा रही है। अगर जिस दिन वो स्वीकृति मिलेगी हम निश्चित रूप से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी रखेंगे। लिस्ट हमने बना रखी है 150 से अधिक लोगों की, बस इंतजार है कि कब उपखंड अधिकारी की स्वीकृति मिले और हम रक्तदान शिविर का आयोजन करें। बच्चों को मोटिवेट करने को लेकर हमने एक पाती भी लिखी है। इस पाती का उद्देश्य कहें तो हम उपखंड अधिकारी सूरज सिंह जी ने की से मैं प्रभावित हूँ या उनसे प्रेरित हूँ, और इसीलिए मैंने ये पाती लिखी है और प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक तक ये पाती मैंने पहुँचाई है। इस पाते का उद्देश्य यही कि किसी न किसी प्रकार से बच्चा शिक्षा से जुड़े, वो शिक्षा को ग्रहण करे, प्रेरित हो। तो इसके मद्देनज़र हमने ये पाती भी लिखी है, और हमारा उद्देश्य है किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करे, ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करे, वह शिक्षा प्राप्त करे। लॉकडाउन के अंदर ये 2 थीम पे जो हमने काम करे हैं, एक डिजिटल शिक्षा पे काम कर रहे हैं, दूसरा हम कैसे भी करके सर्वे के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में मैंने जो भी काम बताए, आशा है कि आप सभी भी उससे जुड़ेंगे। और अब मैं चाहूँगा कि मेरे अंदर कोई और कुछ कमियाँ रही हो तो आप सब बताएं, जिससे मैं उनमें सुधार कर सकूं।
आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। तो ये मेरे एक शिक्षक के रूप में विचार थे, शिक्षक के रूप में ये प्रयोग मैंने किए हैं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने आप सबसे साझा किए। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करते रहें, मुझे मार्गदर्शन देते रहें, सहयोग देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ। नमस्कार।